वेलकम टू माई चैनल फूड स्टूडियो। कैसे हैं व्यूवर्स आप? आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। सो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि होम मेड है, जो आपके लिए बहुत इजी रहेगी बनाना। सो डू ट्राई माई रेसिपी एंड काइंडली सेंड मी फीडबैक। सो व्यूवर्स, मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और इजी सी रेसिपी एंड क्विक रेसिपी भी बोल सकते हैं इसको हम। ये है बेसन की सेवियाँ। बेसन की सेवियाँ क्या होती हैं? जो हर तरीके की मिलती हैं, जो मोटी पतली दोनों मिलती हैं। आप जो चाहें, जिस तरह चाहें उसको बना सकते हैं। ये होम मेड हैं, ईजी वे में बन सकती हैं, बिल्कुल बाहर की तरह से लुक आएगा। मैं बस ट्राई कीजिएगा एंड मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सही है जी। तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने नमकीन सेव के लिए सबसे पहले जो है बेसन ले लिया है। ये तकरीबन मेरे पास जो है 250 ग्राम है। अब हम इसमें जो अपने स्पाइसेस डालना ऐड करेंगे। सबसे पहले लूँगी मैं तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून जितना सॉल्ट, और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून फुल जो है ऑयल। अब हम जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, देन इसकी डो बनाएंगे। डो हमारी जो है वाटर से बनेगी, ठीक है। डो थोड़ी सी हमने हार्ड बनानी है। कैसे बनानी है मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो है, मैंने सबको मिक्स कर लिया। आप चेक कर सकते हैं कितना ये दर दरा सा हो रहा है। अभी इसकी जो है डो नहीं बन सकती, तो मैंने क्या करना है, इसको वाटर से इसकी डो बनानी है, ठीक है। तो मैं इसकी डो बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी डो जो है रेडी हो चुकी है। सही है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा, देखिए ये ऐसी है कि इसके अंदर बिल्कुल जो है हमारी फिंगर जो है बिल्कुल अंदर पुट नहीं हो रही है। इट्स मीन ये हमारी थोड़ी सी हार्ड डो है, ठीक है ना। आपने थोड़ी सी हार्ड डो बनानी है, इसकी डो थोड़ी सी हार्ड ही होती है। इफ़ अगर इसकी डो लिक्विड ही हो गई तो ये बहुत ज़्यादा रनी सा बैटर हो जाएगा और फिर इसकी जो है सेप नहीं बन पाएगी। सो हम इसे 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे, देन हम जो है स्टार्ट करेंगे इसको फ्राई करना, ठीक है। ये तो व्यूअर्स, यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर जो है अपना ये डो फिल कर लिया था। अब मैं जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर डालना स्टार्ट कर रही हूँ। चेक करें, जैसे जैसे मैं डालूँगी वैसे वैसे ही कुक होता जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरी ज़बरदस्ती से पूरी रेडी हो चुकी है। चेक कर सकते हैं आप, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक करें। ये चेक कर सकते हैं येलो येलो सी हो रही है, थोड़ी सी कुछ ब्राउन भी हो रही है, जो थोड़ी सी डार्क हो गई थी, ठीक है। ये है पतली वाली, ठीक है। और कुछ जो बच गई थी वो फिर जो है मैंने ये थोड़ी सी थिक वाली बना ली थी। चेक कर सकते हैं सेव पूरी वाली मोटी वाली बना ली, ठीक है। सो व्यूअर्स, आपको ये आज की मेरी कैसी रेसिपी कैसी लगी, काइंडली ट्राई कीजिए एंड फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।